अस्सलाम वालेकुम बेटा, तुम्हारा तारुफ पेश करो। मेरा नाम चौधरी मुशायरा हैदर अली है। तुम शुरू से ही मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल का हिस्सा रही हो या पहले किसी और स्कूल में जेरे तालीम थी? नहीं, मैं 2 नौकरी से आई हूँ। पहले इससे पहले मैं 7वीं तक, पहली से 7वीं जमात अब्दुशकूर में पढ़ी हूँ। अच्छा, 8वीं से और 10वीं तक तुम्हारा मोमिन गर्ल्स का सफ़र कैसा रहा? बहुत ही अच्छा गया। सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे, सब अच्छे से समझाते थे, अच्छे से समझती थी। टीचर्स अच्छे थे या अच्छे हैं? अच्छे हैं। अच्छा है ना सब लोग। अच्छा, तुम मोमिन गर्ल्स में तुमको क्या क्या सहूलियात नज़र आई कि बच्चों के लिए, जिसको देखकर तुमको ऐसा लगा कि नहीं ये तो कहीं और नहीं नज़र आई ये सहूलत यहाँ पर है? हाँ, 8वीं और 9वीं तक के तो मतलब कि लॉकडाउन नहीं था, तो घर पे तो जैसे बच्चे जो मारिया थी, परेशानी थी, उनकी परेशानी को दूर किया। और फिर लॉकडाउन में भी बहुत सारे बच्चे थे जो ऑनलाइन लेक्चर नहीं कर रहे थे, उनको मोबाइल दी, उनको मोबाइल की सहूलियत दी। और लॉकडाउन में बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनकी नौकरी वगैरह नहीं थी, तो उनको उनकी भी बहुत मदद की। घर पे जा जा कर से देखा गया कि बच्चों के हालात क्या हैं, बहुत सारी मदद की। ये मोमिन गर्ल्स के जो टीचर्स हैं, मतलब पूरा जो है HM HM सब लोग और जितने भी टीचर्स हैं, सब ने मतलब एक जज्बा था हमारा कि कोई भी बच्चा जैसे जहनी तौर पर परेशान ना हो। इस हालात में हमारे घर की ये हालात है, तो हमने ज़्यादातर मुमकिन कोशिश यही की कि बच्चे अगर फ़ोन पर रब्ता नहीं है तो हम उनके घर गए। हमने ये नहीं देखा कि हमको कोई बीमारी हो जाएगी, हम क्यों जाए। और हमने स्कूलें भी बंद नहीं रखी, ज़रूरत के मुताबिक जो है स्कूलें हमारी पर जो मोमिन गर्ल्स है वो बंद रहा, लेकिन हमने स्कूल को जो है जारी रखा। अच्छा, एक मतलब जब तुम यहाँ से जाओगी तो एक ऐसा पैगाम दो कि सब लोग उसे कुछ सीख सकें। मेहनत हमेशा करें, लड़कियाँ हो चाहे लड़के, तो उनके दरमियान मतलब कि फ़र्क है जिस समाज में, तो इस फर्क को मिटाने के लिए तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। कोशिश करें और अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देगा। कभी ऐसे नहीं समझने का कि हमको कामयाबी नहीं मिल रही, हमेशा कोशिश करें। बहुत अच्छी सोच है बेटा कि लड़कियों और लड़कों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, लड़का और लड़की जो है वो बराबर है ना, किसी भी चीज़ में कम नहीं है वो। अच्छा, अब तुम स्कूल से जा रही हो तो एक हमारे स्कूल का लोगो है और इंसान बने, तो इसके मुताबिक बताओ कि अब यानी तुम बोल सकते हो कि हाँ मैं अच्छी इंसान बन कर निकल गई हूँ इस स्कूल से? हाँ, क्योंकि इधर पे एक तो उर्दू मीडियम है, तो बहुत ही अच्छे से टीचर्स हैं, सब कुछ बताया है, अच्छे से बैठना उठना बात करने का तरीका, बहुत ही अच्छा इंसान कैसा होता है सब कुछ बताया है और वैसा बनाया भी है हमको। बहुत अच्छे। अच्छा, तुम अभी कामयाब हो ना, 10वीं जमात में बहुत अच्छी से कामयाबी हासिल की, तो तुम अपनी कामयाबी का सहारा किसको देना चाहती हो? इसका मतलब कि टीचर्स को भी और वालिदैन को भी, दोनों को, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तभी पढ़ी अच्छे से। आगे क्या बनने का इरादा है? मैं डॉक्टर हूँ। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी सोच को और अच्छा अच्छी सोचे और अच्छी सोच बनाए और तुम्हारा जो हौसला बुलंद करे, तुम्हारी कामयाबी मतलब तुमको हर जगह पे कामयाबी मिले। स्कूल की जानिब से, सबकी जानिब से मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। और कोई पैगाम है तुम्हारा? नहीं, बस मेहनत करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह सब तक जो है तुम्हारा पैगाम पहुँच जाएगा। ठीक है।